पीएम नरेंद्र मोदी को नौकरशाही से बेहतर तालमेल के लिए जाना जाता रहा है। गुजरात में सीएम के तौर पर उनका लंबा कार्यकाल रहा हो या फिर पीएम के तौर पर पिछले 5 साल का वक्त, उन्होंने हमेशा अधिकारियों को प्राथमिकता पर रखा है। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में साउथ ब्लॉक में उनकी टीम ए के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद हैं संकट मोचक कहे जाने वाले अजीत डोवाल। 74 वर्षीय डोवाल पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल 2004-05 में आईबी के निदेशक भी रहे हैं। मिजोरम और पंजाब में उन्होंने कई मिशनों का नेतृत्व किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट की एयर स्ट्राइक जैसे अहम फैसलों में उनकी भागीदारी रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है। अब ले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी पसंद पीके मिश्र, जो पीके के तौर पर भी चर्चित हैं। गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईएएस अधिकारी पीके मिश्र को कैबिनेट रैंक का दर्जा देते हुए दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाए रखा है। नीतिगत मुद्दों पर उनकी राय को अहम माना जाता है। इसके अलावा अहम पदों पर उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग का काम भी वह करते हैं। प्रशासनिक सुधारों में उनका दखल रहा है। लाइमलाइट से दूर रहने वाले शख्स के तौर पर उनकी पहचान रही है। वह पीएमओ और ब्यूरोक्रेसी के बीच कड़ी के तौर पर काम करते हैं। इकोनॉमिक्स में पीएचडी धारक मिश्र वर्ल्ड बैंक के एडवाइजरी ग्रुप में भी हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी की आखिरी और पुरानी पसंद नृपेंद्र मिश्र। यूपी कैडर के 1967 बैच के आईएएस ऑफिसर नृपेंद्र मिश्र पीएमओ के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उन्हें कैबिनेट रैंक दी गई है। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मोदी की ज़्यादातर पसंदीदा स्कीमें उनकी नज़र में रहती हैं। पहले कार्यकाल से ही नृपेंद्र मिश्र पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारी हैं। पीएमओ से मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच तालमेल की वह अहम कड़ी है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे नृपेंद्र मिश्र नौकरशाही के साथ ही राजनीति की भी जरूरी समझ रखते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।